country and we are coming to you from Ayodhya. Hours ago, the Prime Minister filed his nomination from another temple city, Varanasi, putting front and center the issue of Vikas and Virasat being hand in hand, of the Hindu identity and faith. Does the temple matter in this election? The BJP says no, but is it something that puts the opposition in a quandary and plays on the back of people's minds? What better place to find out than Ayodhya, where hundreds and thousands of people converge every single day for their faith and their belief? It may lie in the heart of Uttar Pradesh, but the Ram Mandir is anything but a North Indian phenomenon. It's like a mini India with people drawn from all over the country trudging here daily for darshan. And yes, some among them are the poorest of the poor. For them, it is about preserving and honoring faith. And their political choices are often simple and correlated. Time and again, you would have heard political statements about how the Ram Mandir Pran Pratishtha, the Ram Mandir itself, is only about a certain class of people who care about identity because bread and butter issues don't matter to them. Come to Ayodhya and you will be pleasantly surprised because the reality is very, very different. Roaming around this temple town, you will see people from all walks of life, from all regions of the country converging here only because they want one darshan now that the Ram Mandir has been made. अंकल किधर से आए हैं आप? बहराइच से. बहराइच से क्यों आए हैं आप? दर्शन करने. दर्शन हो गए? दर्शन हाँ. कैसा लगा मंदिर? ठीक है. ठीक है हाँ. अच्छा नहीं ठीक है. अच्छा अच्छा. आज आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. अच्छा? मंदिर बहुत अच्छा बना है. और पहले दर्शन किए थे आप? आप पहले किए थे. अच्छा, पहले और अब में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है. जैसे कैसे? पहले छोटी सी मंदिर थी वैसी, और वो भी ज्यादातर बंद रहती थी. हाँ. वैसे पड़ा था. अभी अच्छा लगा देख के? हाँ. अच्छा लगा देख के? हाँ, बहुत अच्छा लगा. हाँ. अच्छा ये बताइए, और अच्छा हो जाएगा वो? और अच्छा हो जाएगा. हाँ, हाँ, चार दो साल में. हाँ. और अच्छा बनेगा वो. अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि मंदिर चुनाव का मुद्दा है? मुद्दा हो या ना हो, उससे हमसे मतलब नहीं. हाँ. मंदिर बन गए. हम लोग भाजपा थे, भाजपा ही हैं. कार्यकर्ता तो नहीं? कार्यकर्ता नहीं. अच्छा. कार्यकर्ता हूँ नहीं. तो कौन अच्छा लगता है आपको? भी नेता कौन अच्छा लगता है? नेता अच्छा हो या बुरा हो. हाँ. हमसे इससे मतलब नहीं. केवल हम लोगों को भाजपा पसंद है, जो ठीक ठाक मंदिर बनवा दिया. आज लगभग 500 साल से पड़ी थी मंदिर. 500 साल हो गए, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया. चलिए, आप बहराइच से आ रहे हैं, आप किधर से आ रहे हैं? बस साथ में. साथ में ही? जी जी. आपको कैसा लगा मंदिर? मंदिर बहुत अच्छा लगा. हुँ. जी. और नेता कौन अच्छा लगता है? नेता तो इस समय जो मतलब योगी ज्यादा अच्छा है इसमें. कौन? योगी जी. योगी जी? जी. और मोदी? मोदी जी बहुत अच्छे. और राहुल गांधी? अब राहुल गांधी के विषय में तो हमें ज्यादा जानकारी है नहीं. इस समय जो कार्य कर रहे हैं 10 सालों से, वही देख रहे हैं हम, क्योंकि इसके पहले हमको उतना जानकारी है नहीं. अच्छा. जी. आप किधर किधर से आए हैं? बिहार से. बिहार में किधर? भागलपुर से. अच्छा, मंदिर का दर्शन किया? जी हाँ. अच्छा, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा. मेरा सपना था कि मंदिर कब देखे. आज सपना मेरा साकार हुआ प्रधानमंत्री की वजह से. अच्छा जी. भाजपा के तो नहीं? जी नहीं. पहले कभी देखा था आपने मंदिर? जी नहीं देखे थे. बचपन से यहाँ शौक था कि राम मंदिर देखे, श्री राम का मंदिर. आज मेरा पूरा हो गया सपना. 3 दिन से यही है. कितनी उम्र हो गई? आप बचपन से सोचते थे राम मंदिर देखने के लिए? तो पहले क्यों नहीं आए? पहले नहीं था बना हुआ, इसीलिए सोचबो नहीं किए थे. अचानक मन हुआ, चले आए मंदिर. तो अभी आपको नेता कौन अच्छा लगता है? अभी तो हमारे लिए प्रधानमंत्री ठीक है. पर लोग ये कहते हैं कि ये रोटी कपड़ा मकान के मुद्दे से भटकाने के लिए मंदिर अंदर करते हैं. जी नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो अपनी जगह पर है, मंदिर अपनी जगह पर है. अच्छा, आप बताइए सर, आप किधर से हैं? एमपी गुना. यहाँ पे क्यों आए हैं? दर्शन के? दर्शन के लिए. अच्छा. और कैसे लगे आपको मंदिर? बहुत बढ़िया लगा. बहुत बढ़िया.
जो पहले आज 15 साल पहले आए थे उससे अब बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पे पहले कोई कुछ नहीं था, अब बहुत सब कुछ हो गया। आपने तब देखा जब मंदिर टेंट में था? और के जब तो हम टपरी में देख के गए थे। हाँ, और तब से अब मैं तब पता ही, जब आप 15 साल पहले आए थे यहाँ पे, लगा था कि मंदिर ऐसा है? नहीं, हम नहीं जानते थे कि ऐसा मंदिर हो जाएगा। आज जब देख के, क्या आपका पोता है? हाँ, वो पोता है। यहाँ पोते को दिखाने? और क्या, क्यों घूमने के लाने आए दोनों, भगवान के दर्शन हो जाएंगे और क्या। अच्छा, तो मतलब पूरे देश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आप बताइए क्या इसका कुछ चुनाव पे असर होगा? नहीं नहीं नहीं, हमें चुनाव का कोई बोल नहीं है, हमें तो भगवान के वो दर्शन के लाने थे। और अभी इस वक्त क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता सही लगता है? जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाप है यहाँ पे जी चल रहा है। पर किस वजह से सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि मंदिर है या कोई और? नहीं, मंदिर के इसलिए, और कुछ नहीं है, अपने मंदिर से मतलब है। अच्छा, और महंगाई, बिजली? महंगाई तो भी हर जगह हो रही है और हर जगह मान रहे हैं, महंगाई तो बढ़ाई गई है। महंगाई से अपने कोई ताल्लुक नहीं है। दादा किधर से आए हो आप? लातूर महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से? क्या करते हैं? खेती करते हैं। यहाँ क्यों आए हैं? भगवान के लिए आए। भगवान के दर्शन? कैसे थे दर्शन? अच्छा, अच्छे थे। पहले देखे थे रामलला? नहीं, पहले नहीं मंदिर दर्शन किए, अब दिया इस वर्ष में आए। तो जैसा आपको सोचा था वैसा ही है मंदिर? अच्छा, जैसा सोचा वैसा ही है। वैसा ही है? ओ अच्छा। तो लोग तो कहते हैं कि मंदिर में किसान गरीब का कोई जगह नहीं है। नहीं ना, ना सबको जगह है, सबको जगह है। सबको जगह है, हम किसान आए तो हम बारी में सबसे आगे होते और दर्शन करके अभी इधर भोजन भी मिलता है खाने को। अच्छा, दर्शन होने के बाद भोजन मिलता है। और सब सुविधा वगैरह ठीक थी? भीड़ भीड़ तो नहीं थी? नहीं नहीं, ज्यादा भीड़ नहीं। लाइन से गए, लाइन से गए। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कि चुनाव में क्या चल रहा है, चुनाव में कौन नेता अभी आगे लग रहा है? अभी महाराष्ट्र में मोदी है। महाराष्ट्र में तो उद्धव है? नहीं, महाराष्ट्र में मोदी है। दोनों भी है। और महाराष्ट्र में मोदी क्यों? किसान के वो बात कर रहे हैं ना, सबको काम, सबका विकास। अच्छा, आपको क्या फायदा हुआ? हमारे को किसान को 2,000 रुपए दे रहा है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार, 2,000 रुपए दे रहा। अच्छा, किसान वाले 4 महीने को 2,000 रुपए? 4 महीने? एक बरस में 6,000? अच्छा, एक बरस में 4 बार आता है? नहीं, 6,000। हाँ, एक बरस में 6,000 रुपया आता है खाते में? खाते में जमा होता है, अकाउंट में आता है हमारे, हम बैंक में जाके उठाते। तो उससे कुछ फायदा होता है आपको? 2,000 रुपए मिलने के बाद फायदा तो है। The Ram Mandir Trust estimates that an average of 1 lakh such devotees visit the temple every single day. While the political wisdom offered is that the Ram temple or the issue of Hindu faith in general is to take the focus away from bread and butter issues, speak to the locals and they narrate how their bread has been buttered better ever since the Ram Mandir Pran Pratishtha became a reality. उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुरिया करा देते हैं, कहते हैं कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। अरे क्यों ले भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे? मेरा नाम शिवम है, अयोध्या में रहने वाला हूँ। राम मंदिर के जस्ट पीछे मेरा मकान है। आज से 300 साल पीछे यहाँ पे कुछ नहीं था और 500 साल हो गया राम मंदिर का, यहाँ पे फैसला नहीं आया था। ये सन 2014 से जब फैसला आया, यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, हम लोगों को रोजगार मिला। आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा ये बताइए? हमारी जिंदगी में असर सबसे अच्छा ये काम हुआ यहाँ पे, जो इंसान बाहर भागता था वो भागने का काम खत्म हो गया 2014 के बाद, जब मोदी जी आए तब की बात मैं बता रहा हूँ। उसके पहले तो हर आदमी आया, देश को खाया और अपना पेट भरा चल दिया। रोडें नहीं बनी थी, अर्थव्यवस्था बहुत खराब था यहाँ का। आपको यहाँ पे रोजगार मिला है क्या? हाँ जी। कैसे?
रोजगार हमको ये मिला जो बाहर में जॉब करता था 10,000 रूपये में, ठीक है। मंदिर बनने से आज मैं 700-800 रूपया अपनी मेहनत से पा जा रहा हूँ, मिल रहा मेरे को। तो मेरे को कोई बोलेगा भैया आपको 10-12 हजार 15 हजार देंगे मेरे दुकान पे या किसी शॉप पे काम करो, तो उसको मैं नमस्ते बोल दूंगा। इसलिए कि हनुमान जी की कृपा है, मोदी जी की कृपा है, हमको अपना रोजी रोटी यहाँ पे मिल गया है। कहाँ काम करते थे आप पहले? अहमदाबाद में। अहमदाबाद क्या काम करते? अहमदाबाद में थे, वो जो फाइबर की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे, ये जो वाइजर बनता है उसमें कारीगर था मैं। था हाँ जी, अयोध्या में। जी जी जी, अहमदाबाद से आए हैं इसीलिए मोदी मोदी कर रहे हैं। अब क्या करें, जो है भगवान ने जब तक जो किस्मत में लिखा था, जब तक मैंने बाहर किया, उसके बाद से अपनी जगह पे आ गए। परिवार भी हमारा खुश है। पहले चिंता रहती थी जो है कि परिवार हमारा घर पे है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इतनी दूर, बाई चांस कोई दिक्कत यहाँ पे आ जाती थी मैं परिवार में, तो मैं नहीं आ पाता था। क्यों, अहमदाबाद कहाँ, अयोध्या बहुत दूर है। अब क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की कृपा है, और बस हमारे राम भगवान जी हैं, बस उनके लिए धन्यवाद। अपना नाम बताइए। अमर सिंह। कहाँ से हो आप अमर? बाराबंकी। ये क्या काम करते हो? सिंदूर। सिंदूर बेचते हैं। तो आपका यहाँ पर कुछ आपकी रोजी पे फर्क पड़ा है? क्यों नहीं, पहले 200-400 मिलता था, 500-600 मिल रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, कितना मिल जाता है महीने का, कितना मिल जाता है? महीने में बच जाता है करीब 12-13 हजार रूपए। 12-13 हजार। और सातों दिन यहाँ पर बराबर रेगुलर? आप यहाँ जितने सालों से हैं, कितने, 8-10 साल? 8-10 साल हो गए। क्या अयोध्या में क्या बदलते देखा? क्या बदलते थे अयोध्या में, मतलब क्या बदला अयोध्या में? सब कुछ बदला, बहुत सारा बदल गया। रोड बदल गई, मंदिर बन गया, हर कुछ तो बन गया, नया घाट बदल गया। मंदिर के अलावा और भी कुछ फायदा हुआ है? बिजली पानी का कुछ फायदा हुआ? हर चीज का सुविधा है। तो अभी आपको कौन नेता कौन सही लगता है? हमको तो योगी महाराज। क्यों? उन्हीं की देन है जो सब कुछ यहाँ बन रहा है, बढ़िया हो रहा है। और देश के लिए वो भी सही है। कौन? योगी महाराज। योगी महाराज प्रधानमंत्री तो योगी नहीं है, वो तो मोदी है। यहाँ प्रधानमंत्री तो मोदी। पर उनको आपको योगी ज्यादा अच्छे लगते हैं? हमारे लिए तो सभी अच्छे हैं, हमको सुकून है बस। अच्छा लग रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा विक्रम जी, ये बताइए आप कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हम 5 साल से ये काम कर रहे हैं। और अभी आपका कुछ ये रोजी रोटी में कुछ फर्क पड़ा है क्या? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे धंधा हमारे लोग का चौगुना हो गया, पहले से ज्यादा हो गया धंधा। अच्छा। और अयोध्या में कुछ फर्क दिखता है आपको, पहले की अयोध्या से और अब की? अयोध्या में तो बहुत फर्क दिख रहा है, बहुत चारों तरफ भीड़ रहती है अब। चारों तरफ भीड़। अब तो यहाँ तो डेली मेला लगता है जानो, अयोध्या में डेली मेला लगता है। आप किधर से? हम तो यही अयोध्या के ही है। अच्छा जी। और ये काम कब, कितने टाइम से कर? 3 साल से। हाँ। 3 साल से। और कुछ आमदनी में फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। जैसे कुछ अंदाजा दीजिए, कितना? अरे पहले अयोध्या में 50,000 आते थे, अब 5 लाख पब्लिक आते हैं रोज। जी, इसीलिए बहुत फर्क पड़ा है। पहले 5,000 कमाया जाता, आज 15,000 रूपए कमाई होती है महीने की। नहीं मतलब पूरा मिला के 2-3 हजार बचत मिलता, पहले 500 बचत कमाते थे, दिहाड़ी ही नहीं करता था। तो ये बताइए अभी कौन नेता आपको सही लगता है देश का? हमारे मोदी जी हमको। क्यों? मोदी जी इतना बढ़िया काम करा दिए, यहाँ मंदिर बनवा दिए, हर चीज तो करवा दिए। यहाँ हमको मोदी जी अच्छा लगते हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि गरीब के लिए तो कोई जगह नहीं है ऐसे मंदिर। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, गरीब के लिए देखिए, पहले कतरा झोपड़ी था, मकान दिए 2.5 लाख रुपया पास कराया। कितना आपके पास है मकान? हाँ, हमको भी मिला है। आपको मिला है मकान? कितना पैसा मिला? 2.5 लाख रुपया बनाया आपने पक्का? जी जी। कहाँ पे? यही अयोध्या में जमीन लेकर ही बनवाए। जी, राजस्थान से हो आप सब? राजसमंद जिला नाथ द्वारा। अच्छा, नाथ द्वारा से। अरे आपको तो सीपी जोशी है वहाँ से, श्रीनाथ जी के। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर दर्शन कैसा था? आनंद आ गया, दर्शन अच्छा था, बहुत अच्छा दर्शन था, और व्यवस्थित दर्शन, आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं, धक्का मुक्की भी नहीं थी, अच्छा दर्शन। पहले देखा था आपने मंदिर, राम मंदिर? मोबाइल में देखा, ये अभी नया बना उस समय, ऑनलाइन। जैसा सोचा था वैसा ही है? बिल्कुल वैसे ही है, उससे भी अच्छा है। उससे भी अच्छा है, मजा आया देख के। ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि ये राम मंदिर को सिर्फ असली मुद्दों से भटकाने के लिए बनाया गया है, आपको क्या लगता है? ये अपने अपने हिसाब से सही है मंदिर, या इसमें राजनीति को कोई पैसा नहीं है,
राजनीति में कोई पैसा नहीं, जहाँ आम जनता का पैसा ही इसके अंदर लगा हुआ है और कोई टेंशन नहीं है। जब ये आप बोल रहे हो ना राजनीतिक मुद्दा है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो राम मंदिर बना है ना तो वो क्या पब्लिक के पैसों से बना है, ना कि पॉलिटिकल पैसों से बना है। इसके लिए कोई अलग से कोई फंड तो बनाने गया, जैसे भी जैसे राम मंदिर बना है तो उसी प्रकार से मस्जिद भी बन रही है, पर उसके लिए विरोध में एक भी हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। और अब जैसे राम मंदिर बना था पर कितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध भी किया था। अब देखा जा रहा है अभी क्या नाम है मुसलमानों के लिए भी वो मस्जिद बन रही है दुनिया की सबसे बड़ी, उसके लिए भी पास हुआ है। उसी प्रकार जैसे हिंदुओं ने विरोध 1% नहीं किया तो मुसलमान कर रहे हैं, तो वो गलत है। और वापस मोदी के चलते अब देश की जीडीपी 4th नंबर पे आ गई, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो 2013 से पहले का भारत था, 2013 के बाद का भारत में काफी सुधार देखा गया है। भाई तुम्हें तो पूरी स्पीच दे दी, क्या करते हो आप? मैं बीटेक करते हो, तो जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश का युवा आज नौकरी चाहिए, उसको राम मंदिर नहीं चाहिए। अरे वो देखो नौकरी किस बंदे को मिलती है? नौकरी उस बंदे को मिलती है जिसके पास स्किल्स हो। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ आपको गवर्नमेंट से भी ज्यादा पैकेज मिल जाएगा, दिक्कत वो है। बाकी देखो जिसके पास बंदे के पास स्किल्स नहीं है और बस नाम मात्र की डिग्री लेकर बैठा तो उसको कोई नौकरी क्यों देगा, बात वो है। आपको कौन नेता अभी सही लगता? मोदी जी। आप क्यों बता रहे हो उनको? उनको राहुल गांधी अच्छा लगता हो, आप मोदी कर रहे हो। राहुल गांधी समझते ही नहीं है मैम। क्यों आपको वो सही लगता? वो पप्पू है, ये बेचारा कितनी मेहनत करते हैं। अच्छा आप ये बताओ आप क्यों मोदी क्यों अच्छा? जो कमजोर वाला होगा ना उसके पास तो जाएगा ही नहीं, जो उसका लेवल का होगा उसके पास जाएगा राहुल गांधी। और मोदी सबके पास जाता है, छोटा हो बड़ा हो सबके पास जाता है मोदी जी। मतलब बड़ा आदमी छोटा आदमी होगा उनके पास भी जाते हैं मोदी जी। अब मन माल रैली निकल रही है, सबसे मिलेंगे, वो दूर खड़ा होगा ऐसे ऐसे करेगा और दूर हटो। आपको लगता है कि ये मंदिर एक बरगलाने के लिए मुद्दा भी है? ऐसा भी नहीं है, ये भी एक मेरा तो ये मानना है कि ये भी एक काम था तो हो गया, चलो नहीं होता तो इस पे राजनीति न जाने कितने साल चलती रहती तो इससे देश माइनस में जाता प्लस में नहीं आता। ये काम हो गया तो इसके आगे की बात होगी, विकास पे बात होगी, नौकरियों पे बात होगी, इस पे बात होगी ना, ये हो चुका है तो इसके आगे अब बात होगी ना। बाकी अगर ये नहीं होता ये काम तो अटका हुआ रहता, इसी पे राजनीति होती रहती, इसी पे वोट मांगे जाते, देते नहीं देते, सारी इसी पे होती थी। तो आगे की बात के लिए कौन आपको इस वक्त नेता मजबूत लगता है? ये तो मेरे को लगने से क्या होता है, तो जनता चाहेगी वो हो जाएगा। अरे आप भी तो जनता ही हो। बिल्कुल हम भी जनता है, जो हमें पसंद आएगा उसको हमने वोट कर दिया है, हमारा तो वोटिंग हो चुकी है ना, हो चुकी है ना, तो करने की बात ही नहीं है। आपको कौन अभी अच्छा कौन लगता है? अच्छा सब अच्छे हैं, सब मोदी। ये पक्का राहुल गांधी फैन है इसलिए आप सब डर करके छुपे ही हैं। आप यहाँ पे यहीं के रहने वाले? जी मैडम। अच्छा क्या काम, कब से काम चला रहे हो? ये बराबर लगता है। कितने साल हो गया? करीब 8-10 साल। 10 साल जी। तो ये अभी ये जो मंदिर बना है इससे आपकी जिंदगी पे कुछ फर्क पड़ा है? जी बहुत फर्क पड़ा है। जैसे कि धंधा चल रहा है ठीक ठाक, बेच खा चल रहे हैं, पहले कम था अब ज्यादा है। जैसे कितना फर्क पड़ा है? अरे बहुत है, ठीक ठाक है, वे कमा रहे हैं। बताना नहीं चाहते कि रेट वेट वो सब नहीं, कमा खा रहे हैं और क्या चाहिए। भीड़ है तो बिक्री होगी, भीड़ नहीं होगी तो नहीं होगा। पहले भी आप स्टॉल लगाते थे? जी। अयोध्या बदली है? जी। कैसे? बहुत भीड़ है मंदिर बनने से। कौन नेता अच्छा? मोदी। क्यों? अब अच्छा विकास कर रहा है तो अच्छा है। आप क्यों यहाँ से मोदी चिल्ला रहे हो? आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा भाई? कमाई धंधा ज्यादा हुआ। हा? कमाई धंधा बढ़ा है? जी। कितना? ज्यादा 90%। 90% जी। कैसे? योगी मोदी जी की। मतलब जो लोग आ रहे हैं उसकी भीड़ बढ़ गई है जी। जो यहाँ सड़कें वगैरह कुछ फर्क पड़ा है? खाली थोड़ा टूटा फूटा है। हाँ। फिर बनेगा, फिर एडजस्टमेंट होगा जी। तो आपको उम्मीद है कि इससे कुछ आपकी जिंदगी बदलेगी? बहुत ज्यादा 90% जी। क्या नाम? रवि सोनकर जी। अरे सोनकर साहब ये बताइए कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो सिर्फ एक ही वर्ग है जिनके लिए मंदिर में जगह है, आप मंदिर दर्शन करके आए जी, तो ये क्यों कहा जाता है? जैसे कुछ नेता कहते हैं कि जो पिछड़ी जाति हैं उनको मंदिर में जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? ऐसा कुछ बोलते हैं ना नेता, बोलते हैं वो सब वो है।
आएंगे मोदी योगी जी। सवाल चाहे जो उसका जवाब यही है। आप किधर से हो? हम अयोध्या से। अयोध्या से। आप क्या काम करते हैं? हम ट्रस्ट में राम जन्मभूमि काम करते हैं सर। अच्छा जी सर। तो आप यहाँ का जो कुछ बदलाव हुआ है आपको लगता है लोगों की जिंदगी पे असर पड़ा है? यहाँ 90% बदलाव हुआ है। पहले अयोध्या खंजर थी, वीरान थी, यहाँ बहुत कम यात्री आते थे। अब जब से मोदी जी आए हैं तब से यहाँ अयोध्या में बहुत ही विकास हो चुका है। आपको आपका नाम? शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह। शिव कुमार जी, जो ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि गरीब को, पिछड़ों को मंदिर से दूर रखा जाता है, क्या ये सच है? नहीं सर, इनको करीब जोड़ दिया गया है, क्योंकि पब्लिक नहीं होती तो यहाँ के दुकानदार लोग यहाँ की पब्लिक से नहीं जी खा सकते। बाहर की पब्लिक आती है तो यहाँ के लोग भाग कमाते गए, इसलिए पब्लिक की भी भलाई की है उन्होंने और ये देश का मुद्दा खत्म कर दिया, जिस मुद्दे से नेता रोटी सेकते थे अपनी, राम मंदिर कह के वो हम बनवाएंगे वो हम बनवाएंगे, कोई कोई कुछ नहीं किया, तो मोदी जी ने किया। जय जय हो उनकी, फिर सरकार बने उनकी, रामलला फिर उनको लाए। क्या काम करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा जी? कितने टाइम से? हम करीब जब से मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री बने जब से चलाते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। उनका दिया हुआ है? जी। कैसे? क्या क्या स्कीम है सर? वो ब्याज पे पैसा मिल रहा था, हम जाके ले लिए, उन्होंने दिलवाया था। आपने लोन लिया, छोटा लोन लिया बैंक से? अच्छा, और अभी आपकी कैसी आमदनी हो जाती है? अभी ठीक है सर, 400-500 रुपया कमा लेता हूँ बेहतरीन हूँ। हाँ। पहले क्या काम करते थे? पहले हम फल का काम करते थे सर। अच्छा। एक चौराहे पे बगल में फल का काम करते थे। तो छोड़ा क्यों वो काम? परेशानी है, रोड वोड टूटने लगा, ये वो सब तमाम मेर के हमने इसलिए छोड़ दिया। अब इसमें अच्छा हमको लग रहा है बस। और अभी आपको नेता कौन सही लग रहा है? नेता हमारे लल्लू सिंह बहुत बढ़िया है। हाँ, लल्लू सिंह बहुत बढ़िया है हमारे सर। हम तो उनके समझ लो भी आते थे हमारे दुकान पे, मिलते थे जुलते थे। बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छे वो लल्लू सिंह। अच्छा। और अभी महंगाई वगैरह से मुश्किल होती है आपको? थोड़ा बहुत तो है ही है सर, लेकिन अब वो फिलहाल चलता रहता है। हाँ, चल जाता है वो। और फिर भी आप कह रहे हैं आप वोट मोदी को देते हैं, क्यों? बिल्कुल देंगे सर, हमको घर दिए, हमको राशन मिल रहा है, सब कुछ हमको दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देंगे उनको। अच्छा। हाँ। आपका घर बना है जी? कितना पैसा मिला आपको? क्या 2.5 लाख रुपया हमको दिए गया सर। हाँ। हमको 2.5 लाख रुपया मिला, हम आए से रह रहे हैं घोसी से। अच्छा। सब पूरा परिवार हमारा घोसी से रह रहा है, राशन भी मिल रहा है, हर मुश्किल आसान हो रहा है, और क्या चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? नसीम नाम है सर। नसीम साहब। पर लोग तो कहते हैं कि मुसलमान लोग वोट नहीं देते मोदी। वो सब बेकार की बात है सर। हम तो जब से मोदी जी आए जब से उन्हीं को दे रहे हैं, योगी जी मोदी जी के अलावा और किसी को नहीं देते हैं। पर यहाँ राम मंदिर से ऐसे डर का माहौल, उसमें आमदनी बढ़ी है। हाँ, उससे आमदनी बढ़ी है, अच्छा हुआ बना। आपको हम तो ये कह रहे हैं, अयोध्या सारा झगड़ा खत्म हो गया, सारा बकवास खत्म हो गया, सब लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, और क्या चाहिए। पर अयोध्या में तो अलग ये कहते हैं कि डर का माहौल हो गया है। कुछ नहीं, भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कह रहे हो बेवकूफ है, जो कह रहे हो बेवकूफ है, सब पागल है जो कहे। हम लोग तो ऐसे आते जाते रहते हैं, मंदिर अंदिर में घुस के जाते जाते होते हैं। देश में डर का माहौल नहीं है? क्यों, किस लिए डर है सर? कोई डर, कोई वो नहीं है। हम यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक भाई भाई हैं। हाँ, सब। अभी हम लड़की की शादी करने जा रहे हैं, हम हिंदू को पूछ रहे हैं, हिंदू भाई हमको पूछ रहे हैं, हमको क्या मतलब है सर? हम लोग तो साथ में रहते हैं एकदम आपस में, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। योगी मोदी जब से आए हैं बहुत ही अच्छा है, बस हम तो इतना जानते हैं। What is this deluge that locals speak of? Is it believable? Consider this. As the buzz built up over the Ram Mandir after 2019, the government says that 2,39,10,000 odd tourists visited Ayodhya in 2022, of which 2,39,09,000 were domestic and about 1,500 were foreign tourists. In 2023, this rose to 5,75,71,000 people approximately, including 5,75,62,000 domestic and approximately 8,500 foreign tourists. Basically, the greater the footfall, the higher the income for locals. But what about the youth?
Do they find all of this a sideshow when jobs are their main concern? आप कहाँ से हैं? हम पटना से हैं। सब लोग पटना से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। कैसा था दर्शन? बहुत अच्छा। और पहले कभी राम मंदिर देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं। नहीं, मोदी जी के रात हम दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार? पहले कब देखा था? एक मंथ पहले। एक महीने पहले? हर महीने आते हो देखने के लिए? दूसरी बार आए हैं। तो आपको जैसा उम्मीद था वैसा बना है मंदिर? उससे भी बहुत अच्छा है। उससे भी बहुत अच्छा है। उम्मीद से आप बताओ, आप वैसे बिहार में नौकरी का मुद्दा बहुत बड़ा है और ये कहा जा रहा है कि मंदिर को जो है असली मुद्दों से भटकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आस्था के साथ मजाक नहीं, वो अलग राजनीतिक चीज अलग है, मंदिर अलग चीज है, धार्मिक दोनों अलग चीज है। कैसे? ये हमारा हिंदू धर्म का ये तो आस्तिक वाला चीज है, तो बातें दूसरा है, वो पॉलिटिक्स हो गया है, तो हमारा धर्म का हो गया, दोनों का बात ही अलग है। मंदिर क्या राजनीतिक मुद्दा है? नहीं। क्यों? ये तो हिंदी रिवाज है, हिंदी रीति रिवाज है। रीति रिवाज है। आपको अभी कौन सा नेता या कौन सी पार्टी आपको सही है? नरेंद्र मोदी बीजेपी। क्यों? इसी की राज में ये सब मतलब देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोग राम मंदिर के बारे में सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा बनेगा, और आते भी या नहीं आते ये भी नहीं पता था, और इनके राज में बन गया तो आए हैं। पर तेजस्वी तो बिहार में कह रहे हैं हम नौकरी पे बात करेंगे, नौकरी देंगे हम 10 लाख। हाँ, तो बिहार अलग हो गया, यूपी अलग हो गया। हाँ। वही तो। और आप तो बिहार से हैं ना? तो तेजस्वी यादव नौकरी दे भी रहे हैं। हाँ। और 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। हाँ। और उप मुख्यमंत्री होते हुए भी 5 लाख नौकरी दिए 17 मंथ में। हाँ। वो अभी तक तो कोई नेता उतना नौकरी नहीं दे पाया है रोजगार। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? देखिए, हम ये पॉलिटिक्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, हम नहीं किसी डर गया इनकी बात सुन के आप? नहीं नहीं, हम पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं है, हमें सब लोग अच्छे लगते हैं। सब अच्छे लगते हैं। जो हम लोग का रोजगार खत्म करेगा, बेरोजगारी खत्म करेगा, उसके हम लोग सपोर्ट करेंगे बस। पर एक युवा होते हुए कोई तो नेता या पार्टी होगी जिससे आपको उम्मीद है, आपको जो मजबूत लगता है? बीजेपी से उम्मीद है। अरे आपको उम्मीद है ना, उनकी तो अलग उम्मीद हो सकती है भाई। नहीं तो बिहार में तो तेजस्वी सही है। और देश में? देश में बीजेपी मोदी है। देश में मोदी सही है। आपको कौन नेता सही लगता है? सारे ठीक है, अपनी जगह पे सारे ठीक है। अपनी जगह पे तो सब ठीक है। अपनी कोई एक पसंद होती है, जैसे कि उन्होंने कहा मोदी, उन्होंने कहा तेजस्वी, आपको कौन सही लगता? नेता तो दोनों ठीक है, पार्टी अलग अलग हो सकती, पार्टी ठीक है, वैसे बीजेपी। इतना मंथन करने के बाद बीजेपी? नहीं, दोनों पार्टी ठीक है। किस वजह से? देखिए, रोजगार की बात हो गया तो आरजेडी किया तेजस्वी, और बाकी डेवलपमेंट पे तो सबको पता चला, बस यही कारण है डेवलपमेंट के मामले में बीजेपी। जैसे कि जब आप लोग सब प्राइवेट जॉब में हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जब ये कहा जाता है कि राम मंदिर जो है सिर्फ, या मंदिर अगर काशी की बात कर ले या अयोध्या की बात कर ले, तो लोगों को सिर्फ भटकाने के लिए, नौकरी के मुद्दे से वगैरह से भटकाने के लिए है, आपको लगता है ये सही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लग नहीं है मंदिर ऐसा कुछ नहीं है, सब बोलने वाली बात है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर आपके लिए नौकरी ज्यादा जरूरी है, महंगाई या ये सब मुद्दे? महंगाई तो नहीं, वो तो चलता रहेगा। देखिए, अब आप बोलेंगे कि 25 साल पहले की जो आपकी 25 रुपये वाली थी वो आज भी 25 रुपये में ही मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो महंगाई जैसा है वो तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, तरक्की करना पड़ेगा ना, जब हमको डेवलपमेंट चाहिए, उसमें तरक्की चाहिए, तो फिर तो महंगाई को थोड़ा सा करना पड़ेगा ना। ये सब भी एक बहुत मतलब चलता है, कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक है, सब मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कह सकते हैं मैनेज। घूम रहे हैं सब, घूम रहे हैं 700 का रिचार्ज करवा। बोलेगा कि महंगाई आज की डेट में अगर कोई बोलेगा बंदा कि महंगाई है, तो ये मानने वाली बात नहीं है। जी मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए आज भी देखेंगे लोगों के घर में पहले साइकिल हुआ करता था, आज जो है ना बाइक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? है? मोबाइल एक छोटी सी आती थी पहले 1200-1000 की, आज जो आ रही है 20,000 से कम की नहीं आ रही है। आपको आईफोन चाहिए, प्लस चाहिए, बड़ी बड़ी ये कंपनी वाली मोबाइल चाहिए, और सब ये कर रहे हैं। पर क्या राम मंदिर राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं, एक आस्था, अपना जो आस्था है राम भगवान के प्रति वो है। चुनाव पे कुछ असर पड़ता है? चुनाव पे तो इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।
अभी आपको क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल है, किसका किसका पलड़ा भारी? मोदी जी 15 मिनट से चुप बैठे थे, अचानक से ये इनके मन से ये क्यों भाई क्यों? मोदी जी ही कर रहे इतना कुछ, तो उसके लिए तो होना चाहिए ना। सारा व्यवस्था जो दे रहे हैं वो मोदी जी ही दे रहे हैं। हाँ, इतना साल से कोई पार्टी आज तक राम मंदिर को खड़ा नहीं कर पाया ना एक पल्ला। लेकिन राम मंदिर कभी बना नहीं, मोदी जी आए और राम मंदिर खड़ा हुआ। पर ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने राजनीति के लिए बनाया है? नहीं ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं सोचे। सारे काशी कॉरिडोर जो बनाए हैं वो भी अपना आस्था के लिए बहुत अच्छा है, राम मंदिर भी है, और आगे भी अगर मोदी जी का सरकार रहेगा तो आगे भी हम लोगों को बहुत सारा ऐसा कुछ देखने मिलेगा। झारखंड में क्या चल रहा है? झारखंड में भी मोदी लहरी चल रहा है, इस बार भी मोदी ही आएगा। झारखंड में भी मोदी लहर चल रहा है? झारखंड में भी मोदी लहर है। तो हेमंत सोरेन को जेल में डाल? तो हेमंत सोरेन है, जो गलत करेगा वो तो अपना गलत करेगा, जो गलत करेगा वो तो अच्छे लोगों को सजा ही वो कर रहा है। Has the Mandir sentiment penetrated? Sure, there is a very high footfall of people who come to Ayodhya from across the north of India every day. But to think that this is a North Indian phenomenon alone would be a grave fallacy. Heard a lot about temples in general and Ram Mandir in particular, that it hardly has any resonance beyond Uttar Pradesh and maybe North India. Come here and see the people that you meet. Sir, where are you from? Wayanad, Kerala. Wayanad. You are from Kerala? Mandirwadi. Okay. You are also from Kerala? Kerala. Why have you come here? Darshan. Did you like Darshan? Very good. Yeah? Very good. This is your first time in Ayodhya? No. Third time. When did you come earlier? Two twenty one. But did you come earlier before the temple was made? Okay. You saw the temple earlier. What is the difference now, before, earlier and now? Did you like the darshan? Darshan. Mm-hmm. Sir, what do you say to people? A lot of people say that in South India there is no Ram Mandir. What do you say? Bahut mandir hai. Ram Mandir. Kerala mein bahut hai. वो मोदी जी आ गए ना, ये हमारा गुरुवार का नस्तिक त्रिप्रयार टेम्पल एक बड़ा बड़ा टेम्पल है, और भी है, राम का नाम में बहुत जगह है, बहुत मंदिर है उधर, चार जगह, ये हमारा राम, भरत, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का चार मंदिर दर्शन का एक महीना है। अच्छा। हाँ, केरला से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। हम लोग अभी ये लास्ट महीने में 100 पीपल से लेके आया। अच्छा। अभी ये महीने अभी ये लोग के साथ ही 50 लोग हैं, वो सब लोग हैं, अभी दो तीन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ। हम लोग ये केरला से इतने लोग आते हैं केरला से, अभी नेक्स्ट महीना जून जुलाई के बाद हर महीना ये 150 लोग को हम लोग लेके आएगा प्रसाद। ऐसा, ऐसा, ऐसा क्यों बोलते हैं कि साउथ में कोई राम मंदिर का कोई? कौन बोला ये सब? कैसा बोलेगा, राम उधर तक है ना, लंगा क्यों कैसा गया वो हमारा रामेश्वर में आके उधर जाके सीधा माँ को लेके आया इधर। अच्छा। इसके लिए उधर ही आया ना, जडायु का एक जडायु रोक है उधर, रो का ऊपर एक जडायु का बड़ा जडायु के बना के रखा। अच्छा। हाँ उधर ही मर गया उधर ऐसा नहीं, उधर बहुत मंदिर है हर जगह में, हमारा रामपुरम नाम है हमारा उधर का जगह, एक प्लेस का ना रामपुरम, उधर भी चार टेम्पल का ये तीन जगह है। हाँ, तीन जगह राम का, राम जी, लक्ष्मण जी, ये भरत जी और शत्रुघ्न जी का, एक जगह हमारा मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में है और दूसरा एर्नाकुलम, कोचिन मालूम है क्या? हाँ, एर्नाकुलम त्रिशूर वो डिस्ट्रिक्ट में भी है। आपको लगता है कि टेम्पल पॉलिटिकल इशू है?
पॉलिटिकल इश्यू कुछ नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोचते। लीडर कौन स्ट्रांग है केरला में? केरला में सीपीएम स्ट्रांग है। हाँ, तो इतने राम भक्त हैं और सीपीएम को वोट करते हैं? सीपीएम को वोट कैसे क्यों देने का? हम लोग मोदी जी को देगा। हम लोग सब मोदी जी को देगा, लेकिन उधर क्या है, मोदी भाई आपको कौन? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ओके मोदी जी राम के समान है, राम के समान है मोदी जी। वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम एलूर, नियर टू विजयवाड़ा। नियर विजयवाड़ा, व्हाई हैव यू कम हियर? हाँ, व्हाई हैव यू कम हियर? टू दर्शन राम मंदिर। डिड यू लाइक? या लाइक। हैव यू सीन बिफोर? नो, दिस इज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? या। इज योर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। डिड यू लाइक? लाइक। गुड दर्शन? गुड दर्शन। ओके, वेरी नाइस कंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस कंस्ट्रक्शन, वेरी नाइस। एंड रामलाला? रामलाला वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत लॉट ऑफ पीपल से दैट इन साउथ इंडिया पीपल डोंट प्रे टू लॉर्ड राम। नो, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। साउथ इंडिया ऑल्सो दे डू पूजा फॉर शिवा एंड राम, बोथ शिवाइजम इज देर, वैष्णविज्म इज देर, दे डू पूजा फॉर विष्णु, शिवा, राम। हु डू यू थिंक इज अ गुड लीडर? मोदी जी। वाई? मोदी जी गुड, राम मंदिर 500 इयर्स इपुड कंस्ट्रक्शन, हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। बट ही इज नॉट देयर इन आंध्र? आंध्र नहीं, no, no, he is for India. He did lot development for Varanasi and Ayodhya. You've been to Varanasi? We have been to Varanasi since 9 days. We stayed in 9 days in Varanasi and this is 10th day. We came to here. Oh, you've been to Kashi and then you came to Ayodhya? 9 days we have been in Varanasi. 9 days we stayed in Varanasi. This is our 10th day. The opposition alliance has studiously avoided being drawn into this debate. Their argument is religion is a private thing and should not be harvested or harnessed in order to get a few votes. But their absence from the Pran Pratishtha and subsequent silence is something that they are questioned about again and again. This week itself, Akhilesh Yadav is in Ayodhya Lok Sabha seat campaigning for his party candidate Avadhesh Prasad. But so far, he hasn't made any program for the Mandir. Interesting also is the fact that while it's being said that Ram Mandir has no space for Dalits and backward, the only assembly segment the Samajwadi Party has in Ayodhya Lok Sabha seat is an SC reserved seat, and the sitting SP MLA from there and Lok Sabha candidate Avadhesh Prasad has an interesting take on the entire avoiding Ram controversy. आप अयोध्या से विधायक हैं, अब यहाँ सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, अयोध्या का आज पूरे विश्व में नाम है राम मंदिर से, पर समाजवादी पार्टी को यही राम मंदिर एक दुविधा में तो नहीं डाल देता? मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है, वो अयोध्या जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादाएं पूरे विश्व में प्रचलित थी। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं मेरे ग्रैंड फादर का नाम राम निवल, मेरे पिताजी का नाम दुखी राम, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर का नाम राम सेवक, और तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारा परिवार का नाम हजारों साल से हम यही पैदा हुए, राम तो हमारे रोम रोम में है, और उन्हीं की कृपा से और जनता के महान कृपा से 9 बार के हम विधायक हैं, 6 बार के मंत्री हैं, तो सब ये महान जनता की कृपा है और प्रभु श्री राम की है, हनुमान जी की, सबकी कृपा है।
पूरा आपका परिवार खुद का राममय है, पर राम लला के दर्शन नहीं करते अखिलेश? जब हम पैदा ही वहाँ हुए हैं, जब हम पैदा ही यही हुए हैं, तो दर्शन का क्या, आप खुद बता दिया। आज तो हम सुबह हनुमान जी का दर्शन करके आए हैं, सुबह 9 बजे। अभी टीका भी लगा होगा, आशीर्वाद भी लगा होगा, तो हमारे रोम रोम में भगवान है। और राम किसी के बांटे नहीं हैं, राम तो सबके हैं, हमारे हैं। पर जब ये नारा लगता है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो समाजवादी पार्टी का इससे क्या रिस्पॉन्स? राम को कोई नहीं लाया है, राम तो हजारों साल पहले आए हैं। नारा ये कि राम को हम लाए हैं, हमारे बाबा राम नेवल जो आज दुनिया में नहीं है, 200 साल 150 साल पहले मर गए हैं, उनका नाम राम नेवल है। तो राम तो आज के नहीं लाए हैं, राम बहुत पहले आए हैं, और राम सब में हैं, सब में राम है, आप में राम है, हमारे राम है, और जितने लोग हैं राम तो सब में है। राम को कोई लाने वाला नहीं है। अगर कोई ये कहता है हम राम को लाए हैं, तो राम का अपमान है। राम तो स्वयं आए हैं, हजारों साल पहले आए हैं, और राम तो सबके हैं। पर प्रचार करने के लिए आपका अखिलेश जी इधर तक तो आए, पर फिर भी राम मंदिर नहीं गए, क्यों? ऐसा है, आप तो आ ही गए थे अयोध्या। हमारे नेता ने कहा है, अयोध्या और रामलला का इतना फासला है कि हम अयोध्या आएंगे, अपने परिवार के साथ आएंगे, अपने साथियों के साथ आएंगे, और राम मंदिर तैयार हो जाएगा तो हम आएंगे। कभी उन्होंने तो ये नहीं कहा हम नहीं आएंगे। मंदिर तो तैयार है, सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं। वो ठीक है, हमारे नेता ने कहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर राम मुद्दा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इसका 0.5% कोई फायदा नहीं होगा। एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। बार बार जो है राहुल गांधी ये कहते हैं कि दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, गरीबों को राम मंदिर से दूर रखा जाता है, और आप खुद जो है आपको बार बार इसी अयोध्या की जनता चुन करके भेजती है। नो, ऐसा कोई बात नहीं कहा है उन्होंने, कहा कि गरीब दलित पिछड़े बाहर रहे हैं। नो, ऐसा है उन्होंने कहा, राष्ट्रपति को इसलिए बाहर रखा क्योंकि वो ट्राइबल है। ऐसा है, ये तो जग जाहिर है ना, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, और ये तो जग जाहिर है, उसमें कहने की क्या जरूरत है। पर यही अयोध्या की जनता तो आपको चुनती है बार बार, तो क्या क्या भेदभाव है? और इस साल लाखों से चुनेगी, एंड दे हैव डिसाइडेड टू सिलेक्ट, दे हैव डिसाइडेड। और यही नहीं, आप किसी गांव चले जाइए, 100 आदमी से पूछिए, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे उम्र का, 100 आदमी से पूछिए, तो 80 आदमी कहेगा कि मैं उदेश प्रसाद मंत्री जी को सांसद बनाऊंगा। मंत्री इस समय हम नहीं है, संभाल रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं मंत्री। The Ayodhya Lok Sabha seat is made up of 5 assembly segments. Of these, 4 are general seats and all are occupied by the BJP. The Milkipur seat is SC reserved and was won by the Samajwadi Party. Dalits and Kurmis comprise core voters in the constituency, totaling 26% of the electorate. The constituency also has 14% Muslims and 12% Yadavs, a voter base traditionally said to be inclined to the Samajwadi Party. Brahmins constitute 12% of the voters, Rajputs 6% and the Vaish 4%. So, with a large Dalit population, is the quota will go narrative a bigger factor here than the Mandir? ललू सिंह जी, ये बताइए कि पूरी दुनिया जो है अभी राम मंदिर की बात कर रही है, अयोध्या की बात कर रही है, पर क्या चुनाव पे इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी अच्छा काम जो करता है उसका असर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। 500 सालों से जिस बब्बा मंदिर के लिए पूरा देश
संघर्ष कर रहा था, चाहता था कि भगवान का भव्य मंदिर बने और मंदिर आज बन गया है, तो स्वाभाविक रूप से जो उसमें सही बनाता है, जो उसमें सहयोगी रहता है, तो उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। क्या बार बार मंदिर की बात करके एक तरीके से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्योंकि वो एकदम ही असहज हो जाते हैं? भाई जो जिस काम खिलाफ विपक्ष था, जो नहीं चाहता था मंदिर बने, तो उसको समाज को बताया जाए कि नहीं बताया जाए, ये लोग विरोध करते थे या सहयोग करते थे। अब जो 300 पार और 400 पार की बात हो रही है, मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने कहा कि 400 पार होगा तो फिर काशी और मथुरा भी अगला कदम होगा। क्या सच में ये एक पॉसिबिलिटी है या फिर सिर्फ एक चुनाव का मुद्दा? देखिए वो तो कोर्ट का विषय है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन है वो वाल्मीकियों का भी है, बार बार आरक्षण चला जाएगा, आपका संविधान बदल देंगे, क्या लोगों के डर में, मन में डर है इस बात का? नहीं, ये तो विपक्ष के लोग बहुत दिन से चला रहे इस अभियान, समझे कि नहीं। संविधान मोदी जी ने बार बार कहा, और संविधान की जो बात करते हैं सारे लोग, संविधान ने तो कमजोर को, अनुसूचित को, गरीब को संरक्षण देने की बात, तो मोदी जी ने तो वही किया है जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, भीमराव अंबेडकर, मोदी जी ने तो और कुछ किया नहीं, तो संविधान क्यों बदलेंगे? ये तो बेवकूफी, धोखा दे रहे हैं, जैसे पूरे 60 सालों तक पूरे देश को धोखा देकर के सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, चाहे सांप्रदायिकता फैलाकर, चाहे जातिवाद फैलाकर, इनके पास एक का हथकंडा है, यही करना है, और कुछ तो है नहीं। अखिलेश जी 60 किलोमीटर दूर हैं आज यहाँ से, आएंगे दर्शन करने? अखिलेश जी के पिताजी जब मुलायम सिंह यादव थे, तो राम जन्मभूमि पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका था, की सरकार थी, न अवधेश प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री थे, न मुलायम सिंह आए, न उनके मंत्रिमंडल कोई व्यक्ति आया, इतनी बड़ी घटना हुई और ग्रेनेड फेंके गए और कोई भी नहीं आया, तो आप जान लीजिए कि ये लोग केवल एक वोट के डर के कारण है, एक समुदाय के, समझे आप, एक जो सही काम है उसको भी नहीं कर पाए। पर यही तो, आप जब आप ऐसी बातें कहते हैं, वो कहते हैं हम आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहते, हम सेक्युलर हैं, बाम राम हमारे भी हैं। अरे भाई तो क्यों नहीं चले गए, राम उनके थे, तो आप तो हमें घटना बता रहे हैं, ये भी आपके यहाँ स्थानीय संवाददाता, आप पता कर लीजिए कि पूरी सरकार, एक प्रतिनिधि उनका नहीं है, उनके पार्टी का एक आदमी नहीं गया, इतनी बड़ी घटना हुई हो जहाँ, समझे आप, वहाँ उस सरकार का कोई प्रतिनिधि भी न जाए। पर आज के दिन में अखिलेश जी रोज सुबह पूजा करके घर से निकलते हैं, ऐसा कहते हैं। डिंपल जी कहती हैं कि हम भी पूजा करते हैं, हमें सर्टिफिकेट ना बांटे। हम कहाँ कहने को पूजा नहीं करते, हमने तो नहीं कहा, कि पूजा करना अलग विषय, लेकिन जो पूरा देश और पूरी दुनिया जिस चीज को चाहती थी, उससे क्यों आप भाग रहे थे, जो सही था। अब 2-3 लाख आदमी रोज आ रहे हैं राम जन्मभूमि पर पूरे देश से, और परमानेंट आ रहे, दुनिया का सबसे बड़ा स्थान हो गया इस दृष्टि से, और उसके बाद कहते हैं पूजा करते हैं, पूजा घर में करते हो ना, अगर अल्पसंख्यक कह दे कि पूजा करते वोट नहीं देंगे तो भी बंद कर देंगे वो, बोलिए हम गलत कह रहे हो बता दीजिए, ये नहीं चलता, देश नीतियों के आधार पर, देश विचारों के आधार पर चलता, ना इनकी कोई नीति है ना कोई विचार है, ना देश के बारे में कभी सोचते हैं, केवल सत्ता के बारे में सोचते हैं, कैसे हमको सत्ता मिल जाए और कैसे हम लूटे, कैसे सुख सुविधा उठाएं, अपने नातेदार रिश्तेदार इष्ट मित्र सबको लाभ पहुंचाएं, यही तो काम करते हैं। Particular and the Mandir sentiment as a whole have any electoral significance? Let me put it like this. The Ram Mandir is like a throbbing entity. Everyone who comes here is because they are invested in it and they carry back a little of that emotion with them.
But when they get back, do other factors kick in? Is there anti-incumbency? What about rising prices? Do I like my MP or do I want an alternative? The ultimate answer that they reach depends on how much of the mandir they've carried back with them. With video journalists Gopal and Abhishek in Ayodhya, Padmaja Joshi for Times Now.